हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, फाइनली हमारे घर का डिज़ाइन आ चुका है हमारे पास में, जो कि आपको दिख रहा है पीछे। ये है हमारा घर और ये भैया ने डिज़ाइन किया है। थैंक यू भैया। और कितना टाइम लगा? बहुत मेहनत लगी हुई, तीन चार महीने लग गए। और ये देखो, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है हमारा होने वाला घर। और एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। 3D डिज़ाइन आ चुका है, पूरी वीडियो आ चुकी है, सारा सब कुछ कि यहाँ पे गार्डन होगा, किस तरह से रूम होंगे, सब कुछ। तो पूरी वीडियो अभी आपको दिखाते हैं। तो चलो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ पूरी वीडियो कि बाहर से कैसे लगेगा, अंदर से कैसे लगेगा, गार्डन, रूम, सब कुछ, सब कुछ। पूरी वीडियो है ये, अराउंड 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये है घर के बाहर का एरिया, ये रोड है, यहाँ पे गार्डन भी है घर के बगल में, और पूरा कुछ इस तरह का लगेगा। देखो अभी दिखाते हैं आपको। चलो तो ये वीडियो स्टार्ट कर दी है। ये है हमारा घर, ये होने वाला घर, होने वाला घर। और ये 4 मंजिल है वैसे, पर आपको देखने में 3 मंजिल ही लगेगा। 4 मंजिल डिजाइन, हाँ, डिजाइन इस तरह से करा है, मतलब डिजाइन छोटा लग रहा है। हाँ, वो जानबूझ के बनाया गया है ऐसे। प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन ब्राउन, आप सोच रहे हो क्या है, ये एक्चुअली जालीज हैं। तो इससे क्या होता है ना, घर का टेम्परेचर कम रहता है। अब कैसे रहता है, बहुत टेक्निकल है, बट अगर मान लो कि आपके घर में आपको 10 घंटे ए सी चलाना पड़ता है गर्मियों में, तो इस घर में आपको सिर्फ 3 या 4 घंटे ही चलाना पड़ेगा, बस ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो कैलकुलेशन है 5 डिग्रीज का फर्क रहेगा, बहुत फर्क होता है 5 डिग्री। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के टेम्परेचर में 5 डिग्री का ही फर्क है, मतलब 5 डिग्री कम ही रहेगा। अगर मान लो 30 है तो 25 रहेगा, इस तरह से डिजाइन करा है, क्योंकि हल्द्वानी बहुत गर्म जगह है ना। और ये हमारे घर की फ्रंट एंट्रेंस है, तो सामने बहुत बड़ा गार्डन है घर के, काफी बड़ा एरिया है। ऑलमोस्ट 60% एरिया हमने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे खेल सकते हैं। 40% एरिया में घर बना है, 60% एरिया खाली है, और यहाँ पे हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो सकती है, बाकी लॉन है। वैसे तो गाड़ियों के लिए हमने अलग पार्किंग बनाई है, और यहाँ पे मतलब पूरा गार्डन है हमारा फ्रंट, हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं प्राइवेसी में। और जो इस घर का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सारे विजिटर्स के लिए है। और ये जो एरिया है पूरा हॉल हमने खाली छोड़ दिया है, कभी कोई एक्टिविटीज होगी, कोई फंक्शन होगा, या साहिल वो करता है ना जिमनास्टिक वगैरह, उसको ही सोच के मैंने ये जगह पूरी खाली छोड़ दी। वो यहाँ कूदे फूदे गुलाटी मारे जो करना है करें, ये जगह पूरी खाली है। और यहाँ से पीछे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारी गाड़ियों की पार्किंग है। अच्छा, गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे है। हाँ, ये अलग से गाड़ी, तीनों गाड़ी है, ये तो अलग गाड़ियाँ लगा दी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे थार, फॉर्चुनर, इनोवा, तीनों गाड़ी आ जाएंगी अपनी यहाँ। और मेन है सेफ भी है कि आप पीछे से आए गाड़ी खड़ी करी आपको। अच्छा, पीछे से भी गेट है। हाँ हाँ, पूरा घर खोलने की जरूरत नहीं है। ये वो गार्डन है जो हमें सोसाइटी की वजह से की तरफ से मिला है बगल में। okay. तो यहाँ पे आपके फॉलोवर्स आएंगे, हेलो हेलो हाय सब होगा ड्रामा। भाई लग, ये है पूरा। हाँ, लग तो मस्त रहा है, मतलब घर के चारों तरफ का एरिया ऐसा ही रहेगा। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर घुसेंगे, यहाँ से अंदर घुसने का एरिया। यहाँ पे इस तरह के ये सब प्लांट्स वगैरह होंगे, फूल वगैरह सब कुछ। ये अपना लॉन हो गया, और ऊपर भी देखो यहाँ भी प्लांट्स वगैरह हैं सब कुछ। मतलब इस घर में ना हरियाली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इन सब चीजों से ना ठंडक भी रहती है, प्लस ब्यूटीफुल भी बहुत लगते हैं। और इस घर का जो सबसे मेन है ना, सबसे मेन एलिमेंट, वो यहाँ का लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम जो है ना पूरा डबल हाइट है, और पूरा मैंने मतलब सौरव के हिसाब से ही बनाया है। तो ये पूरा हम जो देख रहे हैं ना, ये पूरा लिविंग एरिया है। और ये सामने जो ऊपर आप देख रहे हो, ये इनका गेमिंग रूम है, बेसिकली वर्क रूम कह लो। तो गेमिंग रूम वो तो पीयूष का होगा। हाँ, पीयूष का है, मतलब सभी लोग काम कर सकते हैं। और सबसे जो मस्त चीज है, सबको बहुत एक्साइट करने वाली है, कि इस गेमिंग रूम से जब नीचे यहाँ किचन है हमारा, तो आंटी बोलेगी खाना खाने आ जाओ, तो यहाँ पे स्लाइड में बैठे और देखो यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है। हाँ, स्लाइड में बैठे और स्लाइड से घुसे, स्लाइड से सीधा नीचे। कुनाली कुनाली आपको मजे आएंगे, स्लाइड स्लाइड है सीधा नीचे। ऊपर कहाँ से जाते हैं? ऊपर सीढ़ी से, ऊपर सीढ़ी से अभी दिखाएंगे। ये जो स्लाइड है ना, ये इतना मजा आएगा स्लाइड में, देखना बाद में बता रहा हूँ। अंकल भी स्लाइड करके आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही फन चीज है। बाहर विदेशों में ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लगी हुई है स्लाइड, और लोग प्रोफेसर आते हैं स्लाइड करके, तो ये बहुत मस्त चीज है, मजा आएगा। ये वेटिंग रूम है बेसिकली। ये पूरा वेटिंग रूम है, अगर कोई मिलने आता तो ना, कोई भी विजिटर आएगा ना यहीं रुकेगा। यहाँ पीछे छोटी सी पैंट्री भी है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब नीचे ही। क्योंकि मेन है कि तुम्हारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है मेरे लिए ना। अब बहुत सारे गेस्ट आते हैं, कई सारे तरह के ब्रांड्स वाले भी आएंगे, बहुत कुछ होगा आने वाले टाइम में, तो हर कोई घर के अंदर तो घुसेगा नहीं, है ना। घर वालों की प्राइवेसी खराब होती है, तो यहीं पे ही आराम से चिल कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। तो जो भी बंदा घर के अंदर आएगा ना, कैमरे में देख सकते हो, अपने टीवी पे भी दिख जाएगा, आपको मोबाइल पे भी दिख जाएगा। तो आप कहीं भी हो ना ऑल ओवर इंडिया, आप इंटरनेट के थ्रू गेट को अनलॉक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आया। अच्छा, फोन से? हाँ, मैं आया, आप कहीं हो मान लो, आप वहाँ ऊपर मैगी खा रहे हो, आपने कहा ब्रो मेरे को 1 घंटा लगेगा, तो आपने वहीं से बटन दबाया, गेट खुल गया, आप बैठ जाओ अंदर। तो उसमें बेसिकली क्या है ना, कि आराम भी है प्लस सेफ्टी भी है, दोनों चीजें आप चेक करके अप्रूव करके खोल सकते हो उसे। फिर ये लिफ्ट है, तो यहाँ पे लिफ्ट भी है। लिफ्ट ना, लिफ्ट लगाने का हमारा मतलब कोई लग्जरी नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, कि मैंने बहुत बार देखा है कि जब एज हो जाती है ना, जैसे अंकल आंटी धीरे धीरे एज होगी, बूढ़े होंगे, तो घुटनों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो सीढ़ी चढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो ये लिफ्ट हम तभी लगाएंगे जब उनको जरूरत होगी, अभी लगाना अभी लगा सकते हैं। पर ये इसका मतलब मेन मोटिव लग्जरी नहीं है कि हाँ यार हम लिफ्ट से ऊपर नीचे करेंगे, इसका मेन मोटिव है कि जब जरूरत हो तो हम लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकें मजबूरी में। तो बेसिकली नीचे गार्डन है, वेटिंग एरिया है और पार्किंग है। नीचे हम कुछ भी अपने लिए रूम, पर्सनल रूम नहीं बना रहे, पर्सनल रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर से बनेगा जहाँ पे मम्मी पापा सब रहेंगे। चलो आप आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। अब ये सीढ़ी से हम ऊपर आ रहे हैं और ये सीढ़ी हम लकड़ी की बनाएंगे। सौरभ का मेन रिक्वायरमेंट था, जैसे मैं बोला भैया मेरे को ऐसा चाहिए कि पूरी फैमिली ना एक साथ रहे। हाँ, पूरी फैमिली एक साथ रहे। तो अब एक साथ रखने के लिए एक ही फ्लोर पे अगर हम बनाते तो पूरी लैंड भर जाती। तो हमने क्या है मल्टीपल फ्लोर पे बांट दिया, एक फ्लोर नीचे, पर सारे फ्लोर ना कनेक्टेड है। जैसे आप लोग मॉल में जाते हो ना तो मॉल में पूरा दिखता है ना, पूरा खुला। तो उसी तरह से घर को भी डिजाइन किया है कि हर नीचे वाले फ्लोर से ऊपर दिखता है, ऊपर से नीचे दिखता है, आपस में बात हो सकती है, मतलब पूरा कनेक्ट है ताकि फैमिली को ऐसा ना लगे हम अलग अलग रह रहे हैं। ये बेसिकली जो आप देख रहे हो सबसे ग्रैंड एरिया यही है हमारे घर का। ये पूरा लिविंग रूम है, ये मंदिर है, अभी दिखाते हैं आपको आराम से। और ये लिविंग एरिया है, यहाँ बढ़िया फायर प्लेस भी है, सर्दियों में अपना आग वाग जला सकते हैं एंड यहाँ पे बैठ के मस्त अपना टीवी वगैरह देख सकते हैं। आंटी जब खाना पकाएगी ना, मैं देखता हूँ चाची और आंटी जब खाना पकाते बेचारे अलग चले जाते हैं। यहाँ पे क्या खाना पकाते पकाते भी देखो आप यहाँ से टीवी देख सकते हो कि क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है। अच्छा, ये आइलैंड है, यहीं पे कुनाली होमवर्क कर लेगा। एक पूरा कनेक्शन है घर में ना, बहुत जरूरी है कि सब लोग आपस में ना मतलब ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। और फिर किचन ओपन है तो गंदगी होती है, तो गंदगी वाला सारा काम पीछे, एक छोटा सा रूम है पीछे जहाँ पे आपका सारा स्टोरेज होगा, बर्तन धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, सब कुछ, मतलब कोई खाना भी होगा ना कटिंग गंदगी वाला, सब पीछे कटेगा, वो सब पीछे। और ये हमारा मंदिर है, ऊपर ग्लास की रूफ है तो पूरी धूप आएगी नीचे तक, तो ये पेड़ों को धूप मिलेगी, तो घर के अंदर पेड़ होंगे। और जो ये पेड़ लगाएंगे ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पेड़ होंगे जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देंगे, सबसे बेस्ट। इससे खुद ही टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि ऑक्सीजन ठंडी होती है ना। तो ये 24 के 24 घंटे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देंगे, तो पूरे घर में ना हमेशा फ्रेशनेस होगी। अब हम जा रहे हैं बेडरूम्स में। सबसे पहले अमा बूबू का रूम, हमारा जो दादा दादी का रूम है, अमा बाबू का, हाँ, तो ये रूम है उनका। और तो इस घर की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बोली थी कि घर में ना पूरी फैमिली एक साथ रहे, बिल्कुल कनेक्टेड रहे। तो इस तरह से हमने किचन को डिजाइन किया, इसी तरह से हमने सारे रूम्स को इसी तरह डिजाइन किया। तो हाँ, ये रूम हमने इस तरह से डिजाइन किया कि ये रूम इस पूरे घर का ना सबसे गर्म रूम होगा। अब उनकी एज हो गई ना, उनको गर्मी चाहिए, तो ये रूम सबसे ज्यादा गर्म रहेगा सर्दियों में, पूरी धूप आएगी इसमें पूरे टाइम। मम्मी पापा का, हाँ, बगल में रूम है, तो ये रूम है मम्मी पापा का, तो ये रूम है चाचा चाची का। हाँ, कोई भी चीज अगर आप देखोगे ना कॉम्पैक्ट साइज की है, पर बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही हमने साइंटिफिक तरीके से बनाई है हर चीज। कोई भी चीज को जबरदस्ती का बड़ा बड़ा नहीं किया कि कुछ महल जैसा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये कि पूरी फैमिली साथ में रहे और अच्छे से रहे बस। अब सीढ़ी से हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं जो सारे बच्चों का है फ्लोर, बच्चों का फ्लोर यानी कुनाली, हाँ, पीयूष। तो अभी आपको मम्मी पापा, अम्मा बाबू, चाचा चाची का दिखाते हैं जो कि नीचे है, और उससे ऊपर है हम बच्चों का। सबसे पहले आपको कुनाली और पीयूष के रूम में लेके जाते हैं। अच्छा, कुनाली और पीयूष का एक ही है? हाँ, तो ये है कुनाली और पीयूष का, और बहुत छोटा सा क्यूट सा रूम है, मस्त एकदम। और इस रूम के बाद आते हैं हम साहिल के रूम में। साहिल के रूम हमने उसी के हिसाब से बनाया है कि उसको स्पेस मिले, मतलब जगह मिले। और ये जो रूम है इसमें हम क्या करेंगे, किसी मेरे साहिल से डिस्कस हुआ था कि, अच्छा, ये साहिल का है? ये साहिल का रूम है, इसमें हम ना ऊपर से वो बंजी वगैरह लगा देंगे, लटका देंगे। अच्छा, तो साहिल लटक पटक के करता है ना, वो अपने रूम में करता रहेगा। काफी कंफर्टेबल साइज हो, इसलिए है कि ये सब चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर सके इसमें ना। मेरा तगड़ा है। हाँ, ये हमने इसी, मैंने इस हिसाब से बनाया कि सौरभ की क्रिएटिविटी और ये पूरे दिन काम करता है, प्लस इस रूम की दो खासियत है वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, तो फाइनली मेरा रूम, ओ भाई, ये रूम है और इसमें ये एडिटिंग टेबल है तेरी, सबसे पहले मैंने ये बनाई। एडिटिंग टेबल जरूरी है और बहुत मिनिमलिस्टिक है, जैसे सौरभ है ना, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, मैं कुछ फालतू चीजें नहीं चाहिए। इस रूम की पहली खासियत ये है कि यहाँ से व्यू आता है बहुत फाड़, पूरा सामने जंगल है, पूरा जंगल। तो जब सुबह सुबह उठेगा तो चिड़िया वगैरह दिखेंगी, या ना सनराइज भी दिखेगा यहीं से। तो ये मतलब बहुत पॉजिटिव रूम है, और ये इसलिए तेरे को दिया है कि क्योंकि तू इतनी मेहनत करता है, दिन रात एडिटिंग करता है, तो चाहिए इस तरह का माहौल। मतलब तू रूम से डायरेक्ट बात कर सकता है, अपने कमरे में होने के बाद भी घर में सबसे बात कर सकता है, यहीं से ब्लॉगिंग भी कर सकता है। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ से पूरा क्योंकि यहाँ से पूरा घर दिखता है, गेमिंग रूम भी दिखता है, नीचे लिविंग रूम, मंदिर, सब दिखता। ये जो घर बनाने का ये ब्लॉगिंग को देखते हुए बनाया कि पूरे घर में अगर मैं अपने रूम में हूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, अगर वो कोई अपने रूम में भी है, या फिर पीयूष, साहिल अपने रूम में है, मम्मी पापा अपने रूम में, तो हमारे रूम में बात कर सकते हैं। इस तरह से बनाया पूरा घर, व्लॉगिंग करने में इजी रहेगा। और जगह जगह में इस घर में ना स्काईलाइट है, घर के अंदर धूप आ रही है, धूप ना बहुत जरूरी है। ऑल धूप में गर्मी होती है, पर हमने उसको कंट्रोल करा है। अब वो बहुत टेक्निकल है, आपको नहीं बताऊंगा, पर हमने धूप की गर्मी को काट दिया है और धूप की रोशनी को लेके आए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो घर को ना बहुत फील गुड बनाती है और अच्छा बनाती है। ये हमारा लिविंग रूम है पूरा, सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है। और लिविंग रूम से देखो, ये लिविंग रूम से
ये हमारे रूम है, ये सौरभ का रूम है, तो ये मेरे रूम है, ये जस्ट किचन के ऊपर है, पूरे किचन के ऊपर है, कनेक्टेड है। तो गाइस आपको सारे रूम दिखा दिए, बच्चों के दिखा दिए, मम्मी पापा के, अम्मा बाबू के, सबके दिखा दिए। अब एक बनेगा स्टूडियो, मेरा आर्ट स्टूडियो, जहाँ मैं ड्राइंग वगैरह करूंगा, आर्ट वर्क्स बनाऊंगा। तो वो सबसे ऊपर फ्लोर पे बनाया है, छत में भी आप देखोगे गार्डन वगैरह है जगह जगह पे। ये हमने ऐसे बनाया गार्डन वगैरह कि घर को ठंडा रखे, हर चीज प्लांट है। छत में भी गार्डन है? हाँ, ये गार्डन है कि नेचुरल है, नेचुरल घास उगेगी भाई। अच्छा, घास उगाएंगे ब्रो, छत पे घास उगेगी, सब्जी उगाएंगे, बाकी छोड़ो। पर इसका बेनिफिट ज्यादा में ये है कि घर ठंडा रहेगा। तो ये है आर्ट स्टूडियो, पर उससे पहले एक छोटा सा गेस्ट रूम। अच्छा, गेस्ट रूम बेसिकली मैंने हिसाब से बनाया कि मैं आऊंगा कभी। हाँ। तो अपना एक रूम अपने को भी चाहिए। तो बेसिकली हमारा गेस्ट रूम है, और सबसे टॉप फ्लोर पे इसने रखा है क्योंकि गेस्ट को थोड़ी प्रिवेसी भी चाहिए, कि दोस्तों का है, कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए तो हर समय घर के बीच में तो रहेंगे नहीं ना। अपना ऊपर ही चिल मार लिया, कुछ कर लिया भाई, ऊपर कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर लिया, ऊपर मजे मार लिए, पार्टी कर ली, जो भी कर लिया, वो अपना फ्लोर ही अलग हो गया। ये है हमारा आर्ट रूम, और इस रूम के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस घर में, सबसे ज्यादा। मैं भी, ये पूरा व्हाइट रहेगा, तो यहाँ पे सारे आर्ट वर्क्स रहेंगे, सारे मटेरियल्स, सब कुछ। क्योंकि इतनी ज्यादा आर्ट सौरभ ने बनाई है ना, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जगह होनी चाहिए। प्लस क्या है कि बनाते जाओ, इतना बड़ा रूम है ना, इसको भरने में सौरभ को बहुत टाइम लगेगा, पर मजा आएगा। और एक चीज आपको और मैं बहुत मजेदार दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप एक ग्लास देख रहे हो, तो ये ग्लास पता है क्यों है? इस ग्लास के ऊपर भी कट है, इसकी छत भी शीशे की है, तो ऊपर से धूप इसमें आएगी। इसके नीचे हमारा गेमिंग रूम है, तो गेमिंग रूम के अंदर धूप आएगी, दो मंजिल नीचे। अच्छा, मेन ये कि नेचुरल लाइट और धूप हमें हर रूम में चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे गेमिंग रूम है। तो यहाँ पे से आप नीचे देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो कि पीयूष क्या कर रहा है, हल्ला कम कर। सौरभ मुझे बोला था कोई भी चीज़ बहुत महंगी महंगी नहीं लगाएंगे, बट जो चीज़ वेदर लास्ट करे और अच्छी हो बस, तो उसी हिसाब से हमने हर चीज़ डिजाइन करी है। कब तक बनेगा, कितना टाइम लगेगा ब्रो? अब ये है कि हम इसे शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ, मतलब कितना लग जाएगा बनाने में, कितना टाइम? एक साल, एक साल में बन जाएगा इतना बड़ा घर? हाँ, एक साल में बन जाएगा। अगर एक साल में बने, डेढ़ साल में तो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, एक साल में हो जाएगा, एक साल में कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीट पूरा। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, वो तो घर बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं तो उसको पहले 8 महीने बोल रहा था, बट घर का साइज बड़ा हो चुका है क्योंकि लोग बहुत है ना। हाँ, मतलब सबका सेपरेट रूम है ना। तो गाइस कम्प्लीटली आपको हमारा घर दिखा दिया है, होने वाला घर ऐसा ही होने वाला, मतलब कम्प्लीटली, मतलब और भी काफी चेंज होंगे इसमें। ये तो मतलब स्ट्रक्चर दिखाया है, और कैसे रूम होंगे और क्या बेसिक टेक्निकल चीजें हैं वो तो भैया को ही पता है किस तरह से उन्होंने बनाया है। तो हाँ, बाकी आप कमेंट करना आप क्या सोचते हो, और बाकी आप अपने सजेशन भी देना, और क्या क्या चीजें अपने आइडियाज दे सकते हो, क्योंकि अभी बना नहीं है ना, अभी मतलब सिर्फ 3D बना है, ऐसा बनाएंगे वो बता दिया आपको, लेकिन और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, और अगर कोई हेल्प कर सकता है, कोई अगर कोलैबोरेशन कर सकता है घर से रिलेटेड कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। खुद अपने हाथों से डिजाइन करें, एक चीज सोच समझ के करना पड़ता है ना गाइस। मैंने 100 घर से ऊपर डिजाइन करे, बट ये मतलब मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत भी इसमें लगी है, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिजाइन मेरा यही होगा, आई एम श्योर। हाँ, वो तो दिख रहा है गाइस कितनी मेहनत है, एक एक रूम को अच्छे से डिजाइन करे हमारे हिसाब से, लाइक मेरा रूम किस तरह से होना चाहिए, अम्मा बाबू किस तरह से होना चाहिए। इस व्लॉग में आपको सिर्फ घर दिखाना था कैसा है, कैसा डिजाइन है बेसिकली। तो चलो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा होने वाला घर। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।